सो गाइस ये है ओनर का न्यू स्मार्टफोन ओनर 200 5G जिसको पिछले दिनों इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। अब सच कहूं तो दोस्तों इसके साथ ओनर 200 प्रो भी इंडिया में लॉन्च हुआ है, बट पॉसिबली हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट ईयर ही 3 साल बाद ओनर का कमबैक हुआ था इंडिया में, वो भी ओनर 90 सीरीज के साथ, जिसकी प्राइस काफी अधिक रखी गई थी। और करंट टाइम में देखा जाए दोस्तों बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में ओनर बहुत कम स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रही है। बट समस्या ये है कि जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें से किसी एक की भी प्राइस मुझे एग्रेसिव नहीं लग रही है। फाइनली अब 200 सीरीज भी इंडिया में लॉन्च हो गई है दोस्तों, और यहां पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। 34999 से दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए ये फोन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि फोन के अंदर दोस्तों आपको कुछ चीजें काफी पसंद आएगी, बट जिस प्राइस पर ओनर ने इसको लॉन्च किया है वहां पर कमियां काफी सारी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना हो सके इस फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको ये फोन नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है, क्या कारण है, इस वीडियो के अंदर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर 6.7 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला 10 बिट्स आई कंफर्ट क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स बहुत पतले नजर आ रहे हैं। और चिन के बारे में बात करते हैं, इसको भी काफी थिन रखा गया है। स्मूथनेस के लिए दोस्तों यहां पर 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, और 4000 निट्स की यहां पर पिक ब्राइटनेस भी दी गई है। सामने की तरफ दोस्तों यहां पर सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है, जिससे आप मैक्सिमम 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। जो मेन कैमरा है दोस्तों वो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि सोनी का IMX906 वाला सेंसर है, और यहाँ पर आपको OIS के भी सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप मैक्सिमम 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी दूसरे सेंसर के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो भी यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि सोनी का IMX856 वाला सेंसर है, और यहाँ पर भी आपको OIS के सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है, जिससे आप मैक्सिमम 2.5x का ऑप्टिकल जूम कर पाओगे एंड 50x का डिजिटल जूम। एंड तीसरे सेंसर के ऊपर आते हैं तो गाइस वो यहां पर 12 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 5200 mAh की इस फोन के अंदर दोस्तों सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहां पर आपको 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों, फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक और माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, बट फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। वैसे 5G फोन है, इस फोन के अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और IR ब्लास्टर भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों इस फोन के अंदर IP65 का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, और हेवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन के अंदर सुपर लार्ज स्टेनलेस स्टील बायोमेट्रिक वेपर कूलिंग चैम्बर भी लगा है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, जो कि मैजिक OS 8.0 के ऊपर रन करता है, जहां पर ओनर ने ऑफिशियली कंफर्म कराया कि इस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेंगे। लास्ट में गाइज हम अगर इसके परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर लगाया है दोस्तों, जहां पर UFS 2.2 वाले स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाते हैं, एंड LPDDR4X वाला यहाँ पे रैम दिया गया है। तो गाइज यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च किया गया है। जो बेस वाला मॉडल है दोस्तों 8GB 256GB, उसकी प्राइस 34999 रखी गई है, एंड सेकंड वाले मॉडल को 39999 का लॉन्च किया गया है, मतलब 35,000 और 40,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है, इनफैक्ट काफी ज्यादा है। हालांकि एक चीज मुझे अच्छी लगी दोस्तों, ओनर इसके ऊपर काफी तगड़े ऑफर्स दे रही है। अगर आपके पास ICICI बैंक या फिर SBI बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इसे पहले सेल में परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और 2000 रुपए के कूपन ऑफ देखने को मिलेंगे, वो भी गिफ्ट के रूप में। या फिर आप चाहो तो इसकी जगह पे ओनर चॉइस TWS X5 एंड साथ में ओनर चॉइस वॉच को ले लो, और ये सारे डिस्काउंट मिलने के बाद आपको इस फोन का बेस वाला मॉडल 29999 का ही पड़ेगा। और इस प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो दोस्तों डील मुझे अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि आप एक स्मार्टफोन
स्मार्टफोन कैमरा लवर हो और सारे ऑफर्स वगैरह लगा के इस फोन को परचेस करने की सोच रहे हो, तब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फोन ले लेना चाहिए। 20 जुलाई को दोस्तों इसका पहला सेल स्टार्ट होने जा रहा है अमेजोन के ऊपर, आप चाहो तो उस टाइम जाके इस फोन को ऑर्डर कर लेना। लेकिन विदाउट ऑफर जो लोग इस फोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों से साफ साफ कहना चाहूंगा दोस्तों, जितना हो सके आप इस फोन से दूरी बना के रखिए, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर ओनर ने बहुत सारी जगहों पर कॉस्ट कटिंग करा है। और अब चलिए मैं वो आपको बता देता हूं। तो गाइस पहली कमी जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आ रही है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। डिजाइन दोस्तों एक सब्जेक्टिव चीज है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका डिजाइन कैसा लगता है, बट बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली इसकी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये फोन आता है दोस्तों। और डिस्प्ले के ऊपर जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वाला प्रोटेक्शन लगा है, वो चीज ओनर ने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है कि कौन से जनरेशन का है। और इसकी प्राइस 35,000 से 40,000 रुपए तक जा रही है, तो आप खुद सोच करके देखो क्या इस तरह की बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस पर एक्सेप्ट करने लायक है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ओनर को डिस्प्ले के ऊपर एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 या फिर विक्टस वाला प्रोटेक्शन देना चाहिए था। बाकी बैक पैनल अगर प्लास्टिक का भी रहती तब भी हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन फ्रेम एटलीस्ट मेटल वाला होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। एंड दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है, वो है इसके कैमरा फीचर्स को लेकर। कैमरा सेटअप दोस्तों नो डाउट इसका बहुत अच्छा है और फोटोज भी यहाँ से काफी अच्छे निकल के आते हैं, बट समस्या मुझे ये लगी कि इसके बैक एंड फ्रंट कैमरे में मैक्सिमम 30 FPS पर ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, जबकि इस प्राइस पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड एटलीस्ट बैक कैमरे के अंदर 60 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑफर करती है। तो आप खुद सोच करके देखो दोस्तों, ये एक प्रॉपर कैमरा सेंट्रिक फोन है, तो ओनर को क्या इसके अंदर 60 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं देना चाहिए था? जो भी है हमें कमेंट में आप बता सकते हो। एंड तीसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है, वो है इसके सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर, क्योंकि इस फोन की प्राइस दोस्तों 35,000 से 40,000 रुपए तक जा रही है और यहां पर ओनर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल के OS अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट ही ऑफर कर रही है, जबकि करंट टाइम में देखा जाए तो बाकी ब्रांड यही सेम अपडेट साइकिल 10,000 से 12,000 रुपए वाले फोन के अंदर ऑफर करती है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज इस प्राइस पर एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहां पर ओनर को एटलीस्ट 4 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है। एंड चौथी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है, वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि यहां पर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि ये प्रोसेसर अच्छा नहीं है, काफी अच्छा प्रोसेसर है, वेल ऑप्टिमाइज है, डे टू डे लाइफ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, बट समस्या मुझे ये लगी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पर देखा जाए तो 20 से 25,000 रुपए वाले फोन के अंदर एक्सेप्ट करने लायक है, ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए वाले फोन के अंदर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे ऊपर की रेंज में आते हैं, स्पेशली 35-40,000 रुपए की प्राइस पर आते हैं, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ओनर को एटलीस्ट Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 वाला प्रोसेसर देना चाहिए था, या फिर MediaTek का Dimensity 8300 वाला, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा यहां पर जो RAM और स्टोरेज टाइप दिया गया है दोस्तों, उससे तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं, क्योंकि LPDDR4X RAM एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ ये फोन आता है, जबकि यही सेम RAM और स्टोरेज टाइप दोस्तों Motorola और Poco जैसे ब्रांड अपने एंट्री लेवल बजट कैटेगरी के फोन के अंदर ऑफर करती है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज 35 से 40,000 रुपए की प्राइस पर एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ओनर को एटलीस्ट UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देना चाहिए था एंड LPDDR5 वाला रैम, ऐसा मुझे लगता है। एंड लास्ट में दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आ रही है, वो है इसके चार्जर को लेकर, क्योंकि ओनर इस फोन के साथ इन द बॉक्स चार्जर ऑफर नहीं कर रही है। अगर आपको चार्जर लेने हैं, उसके लिए आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदोगे तो इस फोन के अंदर आपको यही 5 चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बजट 35-40,000 रुपए के बीच का है और इस प्राइस पर आप कोई कैमरा सेंट्रिक फोन परचेस करने की सोच रहे हो, तो इसकी जगह पे आप Xiaomi 14CV को कंसीडर कर सकते हो, बेहतर ऑप्शन है, या फिर आप चाहो तो Reno 12 Pro की तरफ जा सकते हो, वो भी ऑफर्स के साथ। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।